नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेघा पाटकर के मान मनोबल का दौर जारी हो गया है। गृह मंत्री के बाद अब प्रभारी मंत्री साधो मेघा पाटकर को मनाने सत्याग्रह स्थल पर पहुंची और मुख्यमंत्री से मोबाइल पर 7 मिनट तक बात करवाई। ऐसा दूसरी मर्तबा हुआ है कि सीएम से चर्चा बेनतीजा रही है। प्रभारी मंत्री विजयलक्ष्मी साधो बेरंग लौट गई। मेघा पाटकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री किसी के दबाव में है, सरदार सरोवर का जल 122 मीटर पर स्थिर किया जाना चाहिए। मेघा पाटकर ने कहा कि एनवीडीए मंत्री सुरेंद्र बघेल के विदेश लौटने से पहले गांव-गांव के कांग्रेस पदाधिकारी इस्तीफा देंगे। छोटा बड़दा में सत्याग्रह का 8वां दिन है। 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठी मेघा पाटकर की तबीयत में लगातार गिरावट आ रही है। ठीकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। देखिए सीएम साहब से जो मेघा पाटकर दीदी ने बात की है, उनके आपस में कुछ बातें हुई है। हम सब चिंतित हैं कि दीदी को अपना अनशन समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि जो उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, मेन तो जो पानी जिस लेवल पे आ रहा है, क्योंकि गुजरात सरकार का मामला ही है और हमारी सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने गुजरात सरकार से रिक्वेस्ट की थी कि पुनर्वास होने के बाद इसका लेवल जो है आप थोड़ा डाउन करें, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अभी मैंने भी रिक्वेस्ट किया है कि गुजरात सरकार को फिर से एक माननीय मुख्यमंत्री जी लेटर लिखे और मेरी बात हुई, अभी फिर जाके मैं थोड़ा बात करूँगी उनसे और जो स्थिति होगी वो स्पष्ट करेंगे। आखिर सरकार की क्या मजबूरी है, क्यों गुजरात सामने घुटने टेक रही? मजबूरी कुछ नहीं है, कौन घुटने टेक रहा है? पानी का लेवल कोई मजबूरी नहीं, कोई घुटने नहीं टेकने की बात है। आपने खुद ही नहीं देखा होगा कि अभी रूपाणी जी ने वाटर स्पोर्ट्स वहाँ शुरू किया है, तो ये तो उनकी मानवता और जिस तरह से उन्होंने हरकतें की है उससे जाहिर होता है कि जो डूब क्षेत्र है वहाँ पहले पुनर्वास की बातें करनी चाहिए। जितना पैसा देना चाहिए देना तो गुजरात को है ना भाई, पुनर्वास के लिए तो उनको करना चाहिए। बुलाने की मांग कर रहे हैं, इस बारे में क्या विचार करेंगे? मैं आई हूँ यहाँ, उनसे मेरी बात हुई है, अभी मैं अधिकारियों से चर्चा करूँ, बात करूँ कि एनवीडीए के अधिकारियों ने उनसे क्या बात की, उनको क्या लेटर का जवाब दिया है, क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं आया। मैं अपने क्षेत्र में दौरे पर थी और मैं स्वयं प्रेरणा से यहाँ पर आई हूँ कि कम से कम देखूँ, बात करूँ, क्योंकि मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। मैं यहाँ के प्रभारी मंत्री के नाते उनसे मिलने आई, उनसे रिक्वेस्ट करने आई कि दीदी आप उठ जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा और हमारी बातचीत अगर होगी मुख्यमंत्री जी से या एनवीडीए के जो हायर अथॉरिटी है, तो मैं समझती हूँ कि चीज़ें निकल कर बाहर आएंगी और सही चीज़ें होंगी। कितना सकारात्मक रहा आज का दौरा? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।